पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत सरकार ढाका के घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रही है। आज दिल्ली में दूसरी अहम बैठक हुई है। संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और जेपी नड्डा मौजूद हैं। वहीं अन्य राजनीतिक दलों की बात करें तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, डीएमके सीए टीआर बालू, सपा से राम गोपाल यादव, टीएमसी से सुदीप बंदोपाध्याय, बीजेपी से सस्मिता पात्रा सहित लोकसभा और राज्यसभा में कई राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स बैठक में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक में शामिल सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बांग्लादेश के हालात और भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। बता दें, बांग्लादेश के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने आधिकारिक आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की उच्च स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक भी की थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश के पूरे हालात की जानकारी दी गई थी। सरकार ने बांग्लादेश के साथ लगी पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा पर अलर्ट जारी किया है। बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए बीएसएफ ने 4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर सतर्कता बढ़ाई है। सेना की सभी इकाइयों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। बीएसएफ के कार्यवाहक महानिदेशक दिलजीत सिंह चौधरी और अन्य वरिष्ठ कमांडरों ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचकर सुरक्षा का जायजा लिया। बीएसपी डीजी ने उत्तर 24 परगना जिले और सुंदरबन क्षेत्रों में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। सीमा पर तैनात सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वहीं असम के करीमगंज में भी भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने हाई अलर्ट जारी किया है। इस बीच मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने भी एक वीडियो जारी किया और कहा कि हमने सोमवार रात से सीमा पर कर्फ्यू लगा दिया है। इसके साथ ही इंडो बांग्लादेशी बॉर्डर के सभी चेक पोस्ट पर सुरक्षा बलों को निगरानी बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है। बॉर्डर क्रॉस करने वाले सभी शख्स पर कड़ी नजर रखी जा रही है।